ਪਤੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤੰਗਾ ਦੇ ਪਤੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਜੀ ਪਤੰਗਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये राठी राजा है, राजहट है, दुर्योधन ने का राजहट देख लीजिए, रावण का राजहट देख लीजिए, जिन्होंने परिवार भी तबाह किया है, जिन्होंने राज्य भी तबाह किया है, और ये भी वही बीजेपी है। आज हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं, अब भी वक्त है इस राजा को हटा दीजिए, अब भी वक्त है इन निर्दोष किसानों को मत मारिए सड़क पे, आज भी वक्त है आपके पास मानने का। 400 से ज़्यादा लाशें किसानों की आ चुकी हैं, आपको तरस नहीं आ रहा है? राजधर्म नहीं है ये, और चेत जाइए वरना बीजेपी का नामो निशान देश में नहीं बचेगा। ਪਤੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਜੀ ਪਤੰਗਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਕਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਮ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਮੇਂ ਕਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ। आज पता चल जाना चाहिए मोदी सरकार को और तोमर जी खेतीबाड़ी मंत्री को कि कानून में काला ना होता तो आज ये जीतते। आज कानून में काला था सब कुछ, इसीलिए वेस्ट बंगाल में ये सारी सरकार हारी है और किसानों की जीत हो रही है। हाल के बीजेपी की हार हुई है, लगभग 5 स्टेटा च इलेक्शन सी और 5 स्टेटा के 4 दे विच बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है। सो ये असं समझते हाँ कि जेडे किसान अंदोलन की जित हुई है, आम देश के वर्ग के सारे लोगों ने, किसानों ने, मजदूर ने, हर वर्ग ने इस अंदोलन की सपोर्ट की है और देश के अन्नदाता नाल खड़े हुए हैं। साडा यह कोई मंशा नहीं सी कि किसी होर राजनीतिक पार्टी को जिता, पर साड़ी यह मंशा सी कि बीजेपी जी सरकार केंद्र की आ देश के अन्नदाता की गल नहीं सुन रही, इस करके देश का अन्नदाता जोड़ा है वह बख बख स्टेटा च गया प्रचार किया और अज वो जित हुई है कि बीजेपी की हार हुई है। ਪਤੰਗਾ ਨਾਨਕਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਜੀ ਪਤੰਗਾ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ।